इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फिल पैटर्न। पिछली लेक्चर में हमने सीखा था टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न को डिलीट करें। हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इंसर्ट किया था, इसे भी डिलीट करें। अब हम यहाँ पे फिल पैटर्न यूज करेंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें, लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और फिल पैटर्न पे क्लिक करें। फिल बाउंड्री वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे आप स्केचेस या फेस सेलेक्ट करें। उसके बाद पैटर्न लेआउट सेलेक्ट करें। पैटर्न लेआउट 4 टाइप्स का दिया गया है, परफोरेशन, सर्कुलर, स्क्वायर, पॉलीगॉन। तो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले हम परफोरेशन सीखेंगे। तो परफोरेशन सेलेक्ट कीजिए और फिल बाउंड्री वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए फेस। तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस स्पेसिंग में डायमेंशन इनपुट कीजिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इनपुट करें। हम यहाँ पे 16 mm एंटर करेंगे। स्ट्रेगल एंगल 60 डिग्री, मार्जिन्स 16 mm, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। फ्यूचर्स सेलेक्ट करें जिस फीचर्स को पैटर्न करना चाहते हैं, या फिर यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम लगे हुए फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इस बॉक्स में क्लिक करें और इस एरो पे क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए कट एक्सट्रूड टू। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि फिल पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ओके कीजिए। तो ये देखिए फिल पैटर्न अप्लाई हो गया। फिल पैटर्न 1 पे राइट क्लिक करें, एडिट फीचर, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब हम क्रिएट सीड कट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिया गया है, सर्किल, स्क्वायर, डायमंड, पॉलीगॉन। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्किल सेलेक्ट करेंगे जिसका डायमीटर 8 mm। एंटर और ओके कीजिए। तो ये देखिए फिल पैटर्न अप्लाई हो गया। अब हम पैटर्न लेआउट में सर्कुलर यूज करेंगे। तो फिल पैटर्न 1 को डिलीट करें। फ्यूचर्स लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें, फिल पैटर्न, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए फेस। तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे और पैटर्न लेआउट में हम सर्कुलर सेलेक्ट करेंगे और इसका लूप स्पेसिंग 16 mm। एंटर और इसे टारगेट स्पेसिंग रहने दीजिए और इसे ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ। इंस्टेंस स्पेसिंग 16 mm। एंटर, मार्जिन्स 16 mm, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे क्रिएट सीड कट वाले बॉक्स में क्लिक करें और यहाँ पे हम सर्किल टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसका डायमीटर 8 mm। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि हमारा फिल पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ओके कीजिए। तो ये देखिए फिल पैटर्न अप्लाई हो गया। अब हम पैटर्न लेआउट में
स्क्वायर लेआउट यूज करेंगे। तो फिल पैटर्न टू को डिलीट करें, फीचर्स फिल पैटर्न सेलेक्ट कीजिए फेस, तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैटर्न लेआउट में सेलेक्ट करें स्क्वायर, लूप स्पेसिंग 16 mm, एंटर। टारगेट स्पेसिंग रहने दीजिए, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। इंस्टेंस स्पेसिंग में 16 mm, एंटर करें। डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें, मार्जिन 16 mm। डायरेक्शन ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, ये डायरेक्शन आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, हम ये डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। क्रिएट सीड कट वाले बॉक्स में क्लिक करें और यहाँ पे हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे 6 साइड का, और इनर रेडियस 3 mm, एंटर और ओके कीजिए। तो ये देखिए फिल पैटर्न अप्लाई हो गया स्क्वायर लेआउट पैटर्न में। फिल पैटर्न 3 पे राइट क्लिक करें, एडिट फ्यूचर, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंसेस टू स्किप पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें। इसमें क्या होता है कि हम जो पैटर्न किया है उसमें से किसी इंस्टेंसेस को रिमूव करना हो तो हम इंस्टेंसेस टू स्किप का यूज करते हैं। तो इस बॉक्स में क्लिक करें और जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करना चाहते हैं इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड इंस्टेंसेस रिमूव हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।